15 दिन आपा देश का प्रधानमंत्री चुनना है। जिवें एक परिवार का मुखी चंगा हो परिवार तरक्की की बुलंदियां चले जाता है, देश की तरक्की प्रधानमंत्री से निर्भर होती है, सूबे की तरक्की मुख्यमंत्री से निर्भर होती है। जे प्रधानमंत्री चंगा चुनिए देश तरक्की करू, मुख्यमंत्री चंगा चुनिए सूबा तरक्की करू। देश के प्रधानमंत्री के मुकाबले में कले दो है, एक श्री नरेंद्र मोदी जी, एक राहुल गांधी। जो आप रिश्ता करते हैं आप परिवार का पिछोकड़ देखते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाने तो पहले भी पिछोकड़ देख लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक गरीब सूबे को उन्होंने अमीर सूबा बना दिया, एक नंबर के सूबा बना के। पिछले 5 साल अपने देश को दुनिया के नक्शे पहुंचा दिता, जेड़े मुल्क अपने नाल गल नहीं करते सी आज वही मुल्क अपने अगे पिछे फिर गुरबी का नाम पंजाब वाले हो तुम शायद ना जानते हो, नरेंद्र मोदी जी राजस्थान अपने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तो पहले पंजाब 6 साल रहे, 6 साल पंजाब के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के सी। उन्होंने हर गली पठानकोट के बारे पता है, बटाले बारे पता है, पंजाब के कोने कोने च रहे, उन्होंने पंजाब की मेहनत की। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जिहड़ा दलेर होए, हिम्मती होए, दूरंदेश सोच होए, कम करने का इरादा होए, फैसला कर सके, सब तो वड्डा दुश्मन डरे। कल्याण के माहौल में कले श्री नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान डरता, अपना दुश्मन डरता है, राहुल तो पक्का समझ रहा है, कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। जे मैं क्या परिवार का पिछोकड़ देखना, 50 साल गांधी परिवार ने, 50 साल गांधी परिवार ने देश में राज किया, देश में डबोया, देश ने कितनी तरक्की की रही है। थोड़ी पंजाब वाले तुम होर गल दसना चाहना, अपने पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार तो लोग काम करने आते हैं, बेचारे गरीब लोग होते, इलाका गरीब है, सूबा गरीब है, पर वो लोग कांग्रेस को वोट नहीं पाते। 30 साल हो गए जो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश बिहार बनी हूं। देखो पहले 30 साल पहले उत्तर प्रदेश बिहार कांग्रेस के गढ़ होते सी, आज क्यों भुल गए? क्योंकि उन्होंने देखा कांग्रेस ने गरीबा के नाते वोट लीती, कैप्टन मुख्यमंत्री बने कि दिखाई दिता कि पठानकोट आया। पिछले 2 साल देख लो, उसी 2 साल के अखबार पढ़े होने हैं, किते नहीं अखबार पढ़िया कि कैप्टन ने पठानकोट आके कोई पुल का नहीं पत्र रखा, किते नहीं तो पता किया होना कि कैप्टन ने गुरदासपुर, हुशियारपुर, बठिंडा, लुधियाना, जलंधर कोई नवा काम शुरू किया, किते नहीं कुछ किया। मुख्यमंत्री आता ही नहीं, करता ही नहीं, मिलता ही नहीं, वो मुख्यमंत्री कहते लाए। पहली गल झूठ बोल के मुख्यमंत्री बने, झूठिया सौ खा के मुख्यमंत्री बने।
बनिया मैं कह सकता सब तो वही बेअदबी जे की कैप्टन ने की है। पहला इंसान कैप्टन है जिन्हें गुटका साहब मुंह अपने हाथ रख के अपने शीश न ला के तख्श्री दमदमा साहब को हथ करके दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरणा भी चूकी चौंका ये तो कभी इंसान की हो जरा इंसान अपने परमात्मा की झूठी सौं खा सकता है यह तो माड़ा बंदा कौन हो सकता है। पिछले दो साल पंजाब की हालात की है ना इतने कानून की व्यवस्था है ते वड्डी गल है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हां ताकतां नूं शह दिता उन्हां ताकतां नूं अगे बढ़ाया जिहड़ा खालिस्तान की गल करते हैं जिहड़े अमन शांति भंग करना चाहते हैं उन्हां ताकतां नूं अमरिंदर सिंह ने अगे कीता श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर करने वास्ते। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दे राज दा इक्को असूल रहा भाईचारे सां अमन शांति सरदार प्रकाश सिंह जी बादल अपने राज विच सारे धर्मां दा सत्कार करदे सारे धर्मां दे शुभियारे बादल साहब आप पढ़ाउंदे के उन्हां दे कोई निशाना सी पंजाब विच अमन शांति ते भाईचारे सां। पिछले 10 साल सर बादल मुख्यमंत्री रहे देखो किन्नी तरक्की पंजाब च आई बिजली हम आम कर दी। मैं एक होर भी गल कहना चाहना जिन्ने भी चीजा पंजाब च बनिया उदो ही बनिया जो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री जिन्ने भी थर्मल प्लांट पंजाब च बने बिजली पैदा करने वास्ते सारे बादल साहब ने बनाए। भाखड़ा डैम तो बगैर जिन्ने भी डैम पंजाब बने सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए तीन डैम भी बादल साहब ने बनाए। जिन्ने भी एयरपोर्ट पंजाब विच बने सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए एक भी एयरपोर्ट इन्हां दी जिन्ने भी 4 लेन 6 लेन सड़क बनिया पंजाब च सारियां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाईयां। पठानकोट वालियो पहले तुसी अमृतसर जांदे सी कैसा माड़ा हाल सी सड़क किवें माड़ी हुंदी सी अज पता लगता जो अमृतसर जांदे हो अज पता लगता जो लुधियाणे जांदे हो अज तुसी इत्थों बठिंडे चले जाओ जिथे 7 घंटे लगते सी अज 4 घंटे च पहुंच जाओगे इन्नियां बड़ियां सड़कां पूरे पंजाब तुसी अपना शहर देख लो जिन्नी डिवेलपमेंट साहब बादल दे टाइम जिन्नी डिवेलपमेंट सी करोड़ा रुपये इतने डिवेलपमेंट दे लाए। मैं याद है श्री शर्मा जी थोड़े सेवादार सी मेरे को आंदे करोड़ा रुपये जो मंगे सी दिता इस इलाके की तरक्की कराई देखो कैप्टन मुख्यमंत्री बने 2 साल हो गए तेरा की सी सारा कुछ बंद करता बुजुर्गों की पेंशन बादल साहब लगातार हर महीने दिते कैप्टन ने 1400 करोड़ नहीं दिता हले तक 200 करोड़ रुपया शगन नहीं दिता एससी भाईचारे ने 200 यूनिट बिजली ने माफ कर दे सी कैप्टन ने कानून बदल दिता हुण 200 तो 1 यूनिट की वरतोंगे 200 दे पैसे देने पैणगे ते गरीबां दे 20-20, 30-40 हजार दे बिल आ गए। सब तो माड़ा काम किया जेडे एससी स्कॉलरशिप असी गरीब बच्चे कॉलेज मुफ्त पढ़ाते सी कैप्टन ने पिछले 2 साल कॉलेज पैसा नहीं दिता ते अज 7.5 लाख एससी बच्चे कॉलेज बाहर कर दिया। असी नौजवानों को जिम खेलने का समान दिंदे इन्हें बंद कर दिता असी सेवा केंद्र कहने पिंडां खोले बंद कर दिते मैं कबड्डी करानी शुरू की थी वर्ल्ड कप इन्हें बंद कर दिता सारा कुछ ही बंद कर दिता। फिर मुख्यमंत्री कहने लायक की है अब मुख्यमंत्री कहने लायक मैं तुम्हें कह दसा ए तो निकम्मा नलायक
अज पंजाब जिन्ने कांग्रेस के एमएलए अज पंजाब के जिन्ने भी कांग्रेस के एमएलए सारे रेत माफिया बने फटे सारे शराब का इलीगल काम कर रहे हैं कानून की कोई व्यवस्था नहीं लुटते लगे ते मैं तुम एक गल दसना चाहना है तो जाखड़ बारे सुनील जाखड़ साढ़े इलाके जो है अबोर पिंड है साढ़े बादल पिंड तो तकरीबन 50 किलोमीटर देना पिंड है मैं तुम एक गल दसा जिन्ना माड़ा बंदा है अपने अबोर जाके थोड़े दोस्त का पता कराओ इतना धक्का उन्हें किया इतनी लुट मचाई है जिन्नी शराब की इलीगल समगलिंग सुनील जाखड़ ने अबोर की है मैं कहना रिकॉर्ड कह रहा है जिन्ने कब्जे कराए हैं झूठे पच्चे किए हैं इन्हू रब ने भी पाप माफ नहीं करना इन्हू रब ने भी पाप अज पंजाब गुरदासपुर वाले अज इना रेता की समगलिंग इधर होती है सारा पैसा सुनील जाखड़ लेंदा है ताइयों हुण वापस अबोर जाने की कोशिश नहीं करता इतने कहते इतना वधिया काम बने मैं तुम अज दसा जितो सुनील जाखड़ का घर है जितो पूरे जिंदगी परिवार इलेक्शन लड़ता रहे उतो मैं पार्लीमेंट इलेक्शन लड़ रहा वही हल्के अबोर तो ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਬੋਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਲਕਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਮੀਮੀ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ